आज हम लोग नॉन प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न का और एक सवाल सॉल्व करेंगे। सभी व्यूअर्स से मेरा अनुरोध है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। द फॉलोइंग बैलेंसेज आर ऑब्टेंड फ्रॉम द बुक्स ऑफ जयपुर क्रिकेट क्लब एज ऑन 31st March 2020 एंड 31st March 2021। बिल्डिंग 80,000 and 85,500, furniture 40,000 and 30,600, advance subscriptions 1,500 and 1,000, prepaid expenses 800 and 1,000, outstanding expenses 3,000 and 1,200, arrears subscriptions 3,000 and 5,000, sports equipments 24,000 and 21,600, investment nil, and the closing balance is 12,000, books 15,000 and 16,200, cash 16,000 and 17,100. Consider the following information to the year 2021. Depreciation provided during the year on building 4,500, furniture 3,400, sports equipments 5,400, books 1,800. Some old furniture standing in the books at ₹6,000 on 31st March 2020 was sold for ₹4,000. The club had 300 members on 31st March 2021 as per register of members. 20 fresh members were admitted on 1st April 2020, but 10 members left the club on 1st October 2020. Subscription payable ₹15 per month. Entrance fees received ₹5,000 have been capitalized. You are required to show the receipt and payment account and income and expenditure account for the year ended 31st March 2021. ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम दिया गया है और इस तरह का प्रॉब्लम बीकॉम सीए और कॉस्टिंग दोनों एग्जाम में ही रहता है। सभी एग्जाम में इस तरह का प्रॉब्लम जनरली दिया रहता है। इस सवाल में कोई भी लेजर बना के नहीं दिया गया है और हमको यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है और इसके अलावा हमको ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो मैंने यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर बना लिया है। इन द बुक्स ऑफ जयपुर क्रिकेट क्लब बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020। इसके बाद मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट मैंने बना लिया यहाँ पर स्ट्रक्चर, बैलेंस शीट एज एट 31st March 2021, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। फिर इधर मैंने बनाया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021, रिसीट एंड पेमेंट साइड एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी का स्ट्रक्चर भी मैंने बना लिया है। अब हम लोग सवाल में देखते हैं क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको दिया गया है बिल्डिंग का बैलेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, हमको कहां पर पोस्ट करना है। देखिए यहां पर चूंकि एक भी लेजर बना के नहीं दिया गया है और सभी का बैलेंस दिया गया है, तो हमको दो जगह पर पोस्टिंग करना है। एक है आइदर ओपनिंग बैलेंस शीट या फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट, और उसके बाद हमको संग संग लेजर भी बनाना है। तो यहां पर मेरा सबसे पहला आइटम है, देखिए हमको एकदम एक एक करके हमको आगे बढ़ना है, एक भी बैलेंस हमको स्किप नहीं करेंगे हम लोग। सो सबसे पहला जो बैलेंस है बिल्डिंग अकाउंट, तो हमको बिल्डिंग कहाँ कहाँ रहता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में 80,000 हमको प्लेस करना है और बिल्डिंग का लेजर में 80,000, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में 85,500 और बिल्डिंग अकाउंट में। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले एसेट साइड में देखिए हम लिख रहे हैं बिल्डिंग। सो यहां पर बिल्डिंग में हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में 80,000 और यहां पर हमको एक लेजर बनाना है बिल्डिंग अकाउंट। देखिए यहां पर मैंने यहां पर एक लेजर बना लिया बिल्डिंग अकाउंट। सो बिल्डिंग अकाउंट में हमको डेबिट साइड में तो टू बैलेंस बीडी हम कितना लिखेंगे 80,000। सो ओपनिंग बैलेंस मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में बैठा दिया 80,000 और संग संग बिल्डिंग अकाउंट में बिल्डिंग लेजर एक बनाए हैं, और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको हमको क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैठाना है। तो बिल्डिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैं लिख रहा हूं 85,500, और कहां लिखेंगे बिल्डिंग का लेजर में, बाय बैलेंस सीडी हमको 85,500 मैंने बिल्डिंग लेजर में पोस्ट किया।
इसी तरह से हमको दूसरा जितना भी बैलेंसेज है हमको एक लेजर में पोस्ट करना है और एक ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में। फिर नेक्स्ट आइटम है फर्नीचर। सो ओपनिंग बैलेंस शीट में मैं प्लेस कर रहा हूं यहां पर 40,000 जो ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। मैंने यहां पर फर्नीचर लेजर बनाया है और यहां पर ओपनिंग बैलेंस मैं लिख रहा हूं टू बैलेंस पीडी 40,000। फिर क्लोजिंग बैलेंस जो फर्नीचर का दिया गया है 30,600, मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख रहा हूं 30,600। देखिए बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2021 में मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर का बैलेंस लिखा हूं 30,600। मैं फर्नीचर अकाउंट में लिख रहा हूं बाय बैलेंस सीडी 30,600। सो एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,500। सो बैलेंस शीट में मैं लिख रहा हूं ओपनिंग बैलेंस शीट में मैं लिख रहा हूं एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना दिया गया है 1,500। मैं यहां पर एक सब्सक्रिप्शन लेजर बना रहा हूं और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो मेरा लायबिलिटी है, तो ये क्रेडिट बैलेंस मुझे यहां पर लिखना है बाय बैलेंस बीडी 1,500। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन का जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है वह है 1,000। सो मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख रहा हूं एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन द लायबिलिटी साइड 1,000। और एडवांस सब्सक्रिप्शन का जो क्लोजिंग बैलेंस है मैं सब्सक्रिप्शन लेजर में यहां पर लिख रहा हूं एज टू बैलेंस सीडी रुपीज 1,000। नेक्स्ट है मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो प्रीपेड एक्सपेंस मेरा ओपनिंग बैलेंस है 800 रुपीज जो मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा हूं ऑन द एसेट साइड एज प्रीपेड एक्सपेंस रुपीज 800। मैं यहां पर एक्सपेंस लेजर एक ओपन किया हूं और जो प्रीपेड एक्सपेंस है मैं यहां पर लिख रहा हूं टू बैलेंस बीडी रुपीज 800। मेरा क्लोजिंग बैलेंस प्रीपेड एक्सपेंस का है 1,000 रुपीज। तो मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैं एसेट साइड में लिखा हूं प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000 और एक्सपेंस अकाउंट में मैं यहां पर लिख रहा हूं बाय बैलेंस सीडी जो क्लोजिंग बैलेंस है 1,000 रुपीज। फिर है मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज अ लायबिलिटी। सो मेरा ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 3,000 रुपया। सो मैंने यहां पर ओपनिंग बैलेंस शीट में मैं लिखा हूं ऑन द लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रुपीज 3,000 और एक्सपेंस लेजर में मैं यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को लिखा हूं बाय बैलेंस बीडी रुपीज 3,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जो क्लोजिंग बैलेंस है मैं लिख रहा हूं क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन द लायबिलिटी साइड एज 1,200 और एक्सपेंस लेजर में मैं यहां पर लिखा हूं टू बैलेंस सीडी 1,200। सो प्रीपेड एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस बीडी 800 और प्रीपेड एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस है बाय बैलेंस सीडी 1,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस मैंने लिखा हूं बाय बैलेंस बीडी 3,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस सीडी 1,000। इस चीज को थोड़ा ध्यानपूर्वक देख लीजिए। मेरा नेक्स्ट आइटम है एरियर सब्सक्रिप्शन। एरियर सब्सक्रिप्शन का जो ओपनिंग बैलेंस है 3,000 रुपया मैं यहां पर ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख रहा हूं एरियर सब्सक्रिप्शन 3,000 रुपीज। सब्सक्रिप्शन का लेजर में जो एरियर सब्सक्रिप्शन है ओपनिंग बैलेंस मैं यहां पर लिख रहा हूं टू बैलेंस बीडी 3,000। और एरियर सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस है 5,000 रुपया जो मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा हूं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 में ऑन द एसेट साइड एरियर सब्सक्रिप्शन 5,000 रुपया। सब्सक्रिप्शन लेजर में मैं यहां पर लिख रहा हूं बाय बैलेंस सीडी 5,000 रुपीज। तो देखिए सब्सक्रिप्शन लेजर में मैं एरियर सब्सक्रिप्शन का जो ओपनिंग बैलेंस है मैं लिखा हूं टू बैलेंस बीडी 3,000 और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एरियर सब्सक्रिप्शन को लिखा हूं बाय बैलेंस सीडी 5,000 और
एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस मैं लिखा हूं बाई बैलेंस बीडी 1500, एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस लिखा हूं टू बैलेंस सीडी एज 1000। मेरा नेक्स्ट आइटम है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स मेरा 24,000 है जो मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा हूं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन एसेट साइड 24,000 और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का एक लेजर लिखा हूं यहां पर और यहां पर ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को मैं लिख रहा हूं टू बैलेंस बीडी 24,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस मैं लिख रहा हूं क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऑन एसेट साइड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एज 21,600 और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है मुझे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का लेजर में मैं लिख रहा हूं बाय बैलेंस सीडी 21,600। मेरा नेक्स्ट आइटम है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का कोई ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं गया है सो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है 12,000 रुपया मैं यहां पर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख रहा हूं। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस मेरा नहीं दिया गया है, इन्वेस्टमेंट का सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है एज ₹12,000, इसलिए मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा हूं इन्वेस्टमेंट ₹12,000 ऑन एसेट साइड। मैं यहां पर इन्वेस्टमेंट लेजर एक ओपन किया हूं और जो क्लोजिंग बैलेंस है यहां पर लिखा हूं बाई बैलेंस सीडी 12,000। इन्वेस्टमेंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया गया है इसलिए मैं यहां पर नील या फिर डैश लिख सकता हूं। मेरा नेक्स्ट आइटम है बुक्स। सो बुक्स का जो ओपनिंग बैलेंस है मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख रहा हूं ₹15,000। बुक्स और ओपनिंग बैलेंस को मैं लिख रहा हूं टू बैलेंस बीडी एज 15,000। बुक्स का जो क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 16,200, मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख रहा हूं 16,200। बुक्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे भी मैं बुक्स का लेजर में लिख रहा हूं बाय बैलेंस सीडी 16,200। कैश, कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 16,000 रुपया, मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस मैं लिख रहा हूं 16,000। कैश का ओपनिंग बैलेंस मैं रिसीट साइड में लिखा हूं टू बैलेंस बीडी 16,000 और कैश का क्लोजिंग बैलेंस मुझे लिखना है क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज 17,100। कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है मुझे पेमेंट साइड में लिखना है बाय बैलेंस सीडी 17,100। सो एक स्क्रीन में मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो भी बैलेंसेस दिया गया है मुझे वो सब पोस्ट करना है। जैसे बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा हूं और बिल्डिंग का लेजर में लिखा हूं 80,000। ये जो लेजर मैं ओपन किया हूं पहले भी प्रॉब्लम सब में मैं दिखाया हूं जब सॉल्व कर रहा था कि ये लेजर ओपन कर लेने से मुझे सॉल्व करने में बहुत सुविधा होता है और मुझे गलती होने का चांसेस एकदम नहीं रहता है। फिर क्लोजिंग बैलेंस मेरा बिल्डिंग का दिया हुआ 85,500, सो बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैंने लिखा है यहां पर 85,500 और बिल्डिंग का लेजर में लिखा हूं बाय बैलेंस सीडी 85,500। उसी तरह से फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में लिखा हूं और फर्नीचर का लेजर में लिखा हूं। एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी साइड में लिखा हूं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1500 एंड 1000 और सब्सक्रिप्शन लेजर में लिखा हूं बाय बैलेंस बीडी 1500 एंड टू बैलेंस सीडी 1000। फिर है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैंने लिखा हूं ऑन द एसेट साइड और फिर एक्सपेंस लेजर में लिखा हूं टू बैलेंस बीडी 800 एंड बाय बैलेंस सीडी 1000। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो मेरा लायबिलिटी साइड में लिखा हूं ऑन ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट एज 3000 एंड 1200 और एक्सपेंस साइड में लिखा एक्सपेंस का लेजर में लिखा हूं बाय बैलेंस बीडी 3000 एंड टू बैलेंस सीडी 1200। एरियर सब्सक्रिप्शन मेरा एसेट साइड में लिखा हूं 3000 ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में 5000 रुपीज
और सब्सक्रिप्शन लेजर में लिखा हूं टू बैलेंस बीडी 3000 एंड बाई बैलेंस सीडी एज 5000 रुपीज। फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा हूं 24000 एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का लेजर में लिखा हूं टू बैलेंस बीडी 24000 और क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बैलेंस लिखा हूं 21600 एंड स्पोर्ट्स लेजर में लिखा हूं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का लेजर में लिखा हूं बाई बैलेंस सीडी 21600। इसी तरह से बुक्स का भी एक लेजर बनाया है और मैंने लिखा हूं ओपनिंग बैलेंस 15000 एंड क्लोजिंग बैलेंस 16200 और ओपनिंग बैलेंस शीट एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी मैं पोस्ट किया हूं। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं दिया गया है और क्लोजिंग बैलेंस है मेरा 12000 जो मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा हूं 12000 और इन्वेस्टमेंट का लेजर में लिखा हूं बाई बैलेंस सीडी एज 12000 और कैश का बैलेंस मेरा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा हो 16000 एंड 17100 और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा हूं टू बैलेंस बीडी 16000 एंड बाई बैलेंस सीडी 17100। इस ये जो बैलेंसेस मैंने लिखा हूं इस चीज को आप ध्यान पूर्वक देखिए और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो बैलेंसेस को किस तरह से डिफरेंट लेजर्स में पोस्ट करना। एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले मेरा डेप्रिसिएशन दिया गया है बिल्डिंग के ऊपर, सो बिल्डिंग अकाउंट में मैं लिख रहा हूं यहां पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4500। फिर फर्नीचर अकाउंट में मेरा डेप्रिसिएशन है, सो फर्नीचर लेजर में मैं लिख रहा हूं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 3400। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन, सो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में मैं लिख रहा हूं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5400 और बुक्स के ऊपर मेरा डेप्रिसिएशन दिया हुआ है बाय डेप्रिसिएशन 1800। ये चारों डेप्रिसिएशन को मुझे लिखना है इनकम एक्सपेंडिचर लेजर में। अब ये डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस है मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट करना है, सो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 4500 मैं लिखा हूं यहां पर। फिर नेक्स्ट है फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन, सो बिल्डिंग के ऊपर 4500, फर्नीचर के ऊपर 3400 रुपया। फिर है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, अब देखिए हर फिगर का मुझे दो जगह पे पोस्टिंग करना पड़ रहा है, सो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बैलेंस है 5400 और डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स है मेरा 1800। मेरा नेक्स्ट आइटम है सम ओल्ड फर्नीचर स्टैंडिंग इन द बुक्स एट रुपीज 6000 ऑन 31st March 2020 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 4000। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? जनरली जब फर्नीचर का जो बुक वैल्यू है 6000 सो उसे क्रेडिट करना है क्योंकि उसे मैं बेच रहा हूं, सो कैश अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, सो कैश अकाउंट 4000, पीएल अकाउंट 2000 एंड टू फर्नीचर 6000। यहां पर तो पीएल अकाउंट के जगह पे हम लोग ओपन करते हैं क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो देखिए फर्नीचर लेजर में मैं क्या लिखा हूं बाय कैश 4000 एंड बाय इनकम एक्सपेंडिचर ये है लॉस ऑन सेल है 2000 रुपीज। सो इस 40000 रुपया में जो ओपनिंग बैलेंस है इसमें 6000 रुपया का मेरा फर्नीचर था जिसके मैंने बेचा हूं एट 4000, सो आई हैव इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 2000। तो ये जो दो फिगर मैंने यहां पर फर्नीचर लेजर में लिखा हूं उसे कहां पर पोस्ट करना है, एक है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। सो रिसीट में मैं क्या करूं टू सेल ऑफ फर्नीचर, सो टू सेल ऑफ फर्नीचर या फिर सिर्फ फर्नीचर अकाउंट भी हम लोग लिख सकते हैं टू फर्नीचर अकाउंट, यहां पर मैं लिख रहा हूं 4000 रुपीज और जो लॉस ऑन सेल है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मुझे लिखना है टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2000 रुपया। मेरा नेक्स्ट आइटम है द क्लब हैड 300 मेंबर्स ऑन 31st March 2021 एज पर रजिस्टर ऑफ मेंबर 21st मेंबर्स वर एडमिटेड ऑन 1st April 2020 बट 10 मेंबर्स लेफ्ट द क्लब ऑन 1st October 2020। मैं यहां पर एक इक्वेशन लिख रहा हूं नंबर ऑफ मेंबर्स ऑन 31st March 2020 प्लस नंबर ऑफ मेंबर्स एडमिटेड ड्यूरिंग द ईयर माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स लेफ्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर्स ऑन 31st March 2021।
अब नंबर ऑफ मेंबर्स ऑन 31 मार्च 2020 मुझे मालूम नहीं है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं नंबर ऑफ मेंबर्स ऑन 31 मार्च 2020। नंबर ऑफ मेंबर्स एडमिटेड ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया गया है ना, 20। नंबर ऑफ मेंबर्स लेफ्ट कितना दिया गया है, 10। और नंबर ऑफ मेंबर्स ऑन 31 मार्च 2021 मेरा दिया गया है 300। सो हमको आसानी से हमको यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स ऑन 31 मार्च 2020 कितना रहेगा, 290। 300 + 10 - 20। अब सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना है मेरा सालाना, इस साल में 2021 में मेरा सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना है। देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल फॉर द ईयर 2020-21 हर मेंबर से मुझे 15 रुपया करके मिलना है। सो अप्रैल से सितंबर का सब्सक्रिप्शन मुझे कितना मिलना था, अप्रैल महीना में मेरा 20 मेंबर्स ज्वाइन किया है। सो 31 मार्च 2020 में जो मेरा 290 मेंबर था, अप्रैल में मेरा हो गया 310 मेंबर, और ये 310 मेंबर मेरा सितंबर तक रहा, अक्टूबर में मेरा 10 मेंबर चला गया। सो 290 + 20 मेरा कितना है, 310। सो अप्रैल मंथ में मेरा 310 मेंबर्स था और हर एक के पास से मुझे 15 रुपया करके मिलना था। और 6 महीना, देखिए अप्रैल से सितंबर कितना महीना होता है, 6 महीना, तो 6 महीना में कुल मिला के 27,900 रुपया मुझे मिलना था। 310 मेरा मेंबर्स का नंबर है और 15 रुपया करके मेरा महीना का सब्सक्रिप्शन 6 महीना के लिए मुझे मिलना था 27,900 रुपया। और अक्टूबर से मार्च महीना में इस दौरान मुझे कितना पैसा मिलना था, क्योंकि 310 मेंबर से 10 मेंबर निकल जाने के बाद मेरा 300 मेंबर मेरा क्लब में रहेगा। सो 300 मेंबर से 15 रुपया करके मुझे मिलना है 6 महीना के लिए, तो ये अमाउंट है 27,000। सो कुल मिला के मेरा सब्सक्रिप्शन जो होगा वह है 54,900। ये कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है इस सवाल में। सो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल फॉर द ईयर 2021 मुझे ये वर्किंग्स में कर लेना है और जो मेरा फिगर निकला है 54,900, और ये फिगर 54,900 मुझे पोस्ट करना सब्सक्रिप्शन का लेजर में। तो कहां पर रहता है ये रिसीवेबल अमाउंट, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो कितना रहेगा, 54,900, और ये 54,900 जो रिसीवेबल है मुझे पोस्ट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज ऑन इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन। सो सब्सक्रिप्शन का जो इनकम मेरा निकला है 54,900। मेरा नेक्स्ट आइटम है एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 5,000 हैव बीन कैपिटलाइज्ड। सो जर्नल एंट्री मेरा क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फी। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में मैं लिख रहा हूं टू एंट्रेंस फीस 5,000 रुपीज, और ये एंट्रेंस फीस को मुझे क्लोजिंग बैलेंस शीट में पोस्ट करना है। देखिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैं एंट्रेंस फीस को लिख रहा हूं ऑन द लायबिलिटी साइड, एंट्रेंस फीस 5,000। सो इस तरह से मेरा जो भी फिगर दिया हुआ था मेरा सवाल में उसको मैं पोस्ट कर दिया हूं कोई ना कोई लेजर में। सो जो भी बैलेंसेस मेरा सवाल में दिया गया है उसको मैंने पोस्टिंग कर लिया। आप इस वर्किंग्स को आप पहले ध्यान पूर्वक देख लीजिए। अब मेरा काम क्या है, एक एक लेजर को क्लोज करते हुए निकलना है। सबसे पहले मैं क्लोज करूंगा ओपनिंग बैलेंस शीट को। ओपनिंग बैलेंस शीट से मेरा क्या फिगर निकलेगा, देखिए मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट का जो एसेट साइड का टोटल है वो है 1,78,800, और लायबिलिटी साइड का भी टोटल मेरा कितना रहेगा, 1,78,800। सो जो बैलेंसिंग फिगर है
वो है मेरा ओपनिंग जनरल फंड। सो ओपनिंग बैलेंस शीट मेरा क्लोज हो गया और ओपनिंग जनरल फंड का बैलेंस निकला 1,74,300 मेरा ओपनिंग जनरल फंड का बैलेंस है। ये ओपनिंग जनरल फंड का बैलेंस मुझे लिखना है अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में। सो देखिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैं लिख रहा हूं ऑन द लायबिलिटी साइड एज ओपनिंग जनरल फंड 1,74,300। माय नेक्स्ट अकाउंट जिसको मैं क्लोज किया वो है बिल्डिंग अकाउंट। देखिए क्रेडिट साइड में मेरा बैलेंस निकला कितना 90,000 और बैलेंसिंग फिगर मेरा डेबिट साइड में निकला है 10,000। सो ये 10,000 है एडिशन टू बिल्डिंग जो मैंने पोस्ट किया हूं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का पेमेंट साइड में बाय बिल्डिंग 10,000। नेक्स्ट इज फर्नीचर। सो फर्नीचर का मेरा जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो होगा 40,000 और डेबिट साइड में भी मेरा 40,000। सो फर्नीचर अकाउंट मेरा क्लोज हो गया। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन। अब देखिए सब्सक्रिप्शन का मेरा बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है ऑन द क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड का जो बैलेंसिंग फिगर है वो है बाय कैश, मतलब ये कैश मुझे मिला है एज सब्सक्रिप्शन। सो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में मेरा बैलेंसिंग फिगर कितना निकला 52,400। सो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड डेबिट साइड इज 58,900। सो ये जो टोटल है 58,900 इसका बैलेंसिंग फिगर है 52,400 जो है मेरा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है। तो मुझे पोस्टिंग करना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एज टू सब्सक्रिप्शन। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में मैं यहां पर पोस्ट कर रहा हूं टू सब्सक्रिप्शन 52,400। फिर है नेक्स्ट आइटम इज एक्सपेंस। देखिए एक्सपेंस का कितना पेमेंट हुआ है और कितना मेरा एक्रूड एक्सपेंस है ये दोनों फिगर मेरा अननोन है। तो इस लेजर को मैं बाद में क्लोज करूंगा। नेक्स्ट आइटम मेरा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। सो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का क्रेडिट साइड का टोटल है मेरा 27,000 मेरा क्रेडिट साइड का टोटल है। सो बैलेंसिंग फिगर जो निकला है ये भी है एडिशन मतलब टू कैश बैलेंसिंग फिगर कितना निकला मेरा 3,000। सो ये 3,000 भी मेरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पोस्ट करेंगे। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में मैं यहां पर लिख रहा हूं बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ₹3,000। एंड नेक्स्ट आइटम क्लोज करने का है इन्वेस्टमेंट। सो यहां पर डेबिट साइड में मुझे लिखना है टू कैश 12,000। इसका मतलब है एडिशनल इन्वेस्टमेंट अब मैंने किया हूं ₹12,000। सो ये 12,000 मुझे फिर पोस्ट करना है रिसीट एंड पेमेंट साइड में। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का पेमेंट साइड में मैं लिख रहा हूं बाय इन्वेस्टमेंट ₹12,000। फिर नेक्स्ट है मेरा बुक्स लेजर। सो क्रेडिट साइड का टोटल है 18,000 और डेबिट साइड में मैं लिख रहा हूं 18,000 और जो बैलेंसिंग फिगर है ये है टू कैश अकाउंट 3,000। इसका मतलब है एडिशन जो हुआ था। सो मैं यहां पर लिख रहा हूं बाय टू कैश एज बैलेंसिंग फिगर 3,000 और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑन पेमेंट साइड मैं लिख रहा हूं बाय बुक्स 3,000। अब देखिए मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट मैं क्लोज कर दिया हूं। अब मेरा जो भी लेजर्स है एक्सेप्ट एक्सपेंस लेजर मैं सभी लेजर को मैं क्लोज कर दिया हूं और सब में एडिशन जो भी आया है उसको फिर मैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में प्लेस कर दिया हूं। अब मेरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एक बैलेंसिंग फिगर निकल रहा है। देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अलग से कुछ बैठाना नहीं है, जो बैलेंस मेरा निकलेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में वो है एक्सपेंस।
जो एक्सपेंस एक्चुअली पेड, द एक्सपेंस दैट हैज बीन पेड, जो पेमेंट मैंने किया हूं फॉर एक्सपेंसेस. सो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखिए डेबिट साइड का जो टोटल है वो है 77,400. सो क्रेडिट साइड का भी टोटल मैं यहां पर लिख रहा हूं 77,400, और जो बैलेंसिंग फिगर है यहां पर यह है बाय एक्सपेंसेस, यह है बैलेंसिंग फिगर. इसका मतलब है यह एक्सपेंस जो है मैं पेमेंट किया हूं जो है 32,300. अब मुझे एक्सपेंस का लेजर में चले जाना है. अब देखिए एक्सपेंस लेजर में मैं यहां पर पोस्ट कर रहा हूं ऑन डेबिट साइड टू कैश 32,300. जब मैं पेमेंट करता हूं तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, सो 32,300, और ये फिगर मुझे मिला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से. अब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे जो कि है मेरा 34,300. सो क्रेडिट साइड में भी मैं लिख रहा हूं 34,300, और जो बैलेंसिंग फिगर मेरा एक्सपेंस का है यह है एक्चुअली इनकर्ड, सो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो यहां पर मेरा आएगा 30,300. सो 30,300 मेरा एक्सपेंस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर है जो है एक्रूड एक्सपेंस. सो इसे मुझे पोस्ट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज टू एक्सपेंसेस 30,300. अब हम लोग क्लोज करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को. सो क्रेडिट साइड का टोटल है 54,900. यहां पर मैं लिख रहा हूं 54,900, और जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो है टू सरप्लस 7,500. सो इनकम साइड में मेरा सिर्फ एक ही आइटम है 54,900 जो सब्सक्रिप्शन से मुझे मिला था, और डेबिट साइड में है डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग फर्नीचर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बुक्स लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर एक्सपेंस एंड सरप्लस. अब ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एज ऑफ 31 मार्च 2021. मेरा ओपनिंग जनरल फंड का बैलेंस मेरा निकला था 1,74,300 एट सरप्लस है मेरा 7,500 1,81,800. सो टोटल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी साइड अब हमको करना है और जो कि है 1,89,000. सो लायबिलिटी साइड का फिगर्स है जनरल फंड 1,81,800, एडवांस सब्सक्रिप्शन 1,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,200, एंट्रेंस फीस है 5,000, एंड एसेट साइड में है मेरा 85,500 बिल्डिंग का, फर्नीचर है 30,600, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 1,000, एरियर सब्सक्रिप्शन है 5,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 21,600, इन्वेस्टमेंट 12,000, बुक्स 16,200, कैश 71,100. सो टोटल ऑफ एसेट साइड है 1,89,000. अब आप समझ सकते हो कि ये कितना अच्छा एक प्रॉब्लम आज हम लोग सॉल्व किए हैं. इसमें एक कॉम्प्लीट प्रॉब्लम आप इसको बोल सकते हैं, जहां पर हमको ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, रिसीट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, सभी लेजर्स को मुझे और बाकी के जितना भी लेजर है मैं उसे भी ओपन किया हूं, और हर एक बैलेंस को मुझे दो दो जगह पे पोस्टिंग करते हुए निकल जाना है. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल टू गेट रेगुलर अपडेट्स.